वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और सबसे पहले थैंक फॉर गाइस, आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए गाइस। और आप सभी को सॉरी भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन से व्लॉग नहीं आया था, उसके लिए सॉरी। और आज हम मैं बताऊँगा नहीं हम कहाँ जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, और आज मैं बताऊंगा नहीं हम जा रहे कहाँ पे, सीधा जाके बताता हूँ गाइस। अब हम आ चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पर, तो मैं दिखाता हूँ आपको हम कहाँ पे आए हैं। अभी हम आए हैं हमने मामा के ऑफिस में। ये है मामा की धर्मशाला, ये हमारे मामा जी। और अभी आपको ये पूरी धर्मशाला दिखाते हैं। ये ऑफिस ये धर्मशाला नहीं है, एक टाइप से मैं बताता हूँ, ये एक टाइप से भवन है जो यहाँ पे कमरे भी है। ऊपर यहाँ पे कमरे भी है, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है। हम आए हैं मतलब कि मंदिर के जस्ट बगल में ये भवन है जहाँ पे नए साल पे मतलब कि कुछ भी आरती वगैरह कुछ भी होनी होती है तो वो होता है। ये आप मंदिर देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ यात्री दर्शन भी कर रहे हैं। ये मंदिर है पास में, एक बार बगल में मैं आपको गेट भी दिखा देता हूँ। चलो, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हैं। एड्रेस हमने पिछले व्लॉग्स में हमारे दे रखा है, फिर भी हम दे देंगे। और ये है वो गेट, यहाँ से निकल के सीधा इधर मंदिर आ जाता है, वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे एक शिव जी के दर्शन है, हम वहाँ पे चलते हैं। और शिव जी के लिए तो हमारे कुछ ज़्यादा ही है। अभी हम आ गए हैं शिव जी के मंदिर में, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एक कुंड भी है जो हम ऊपर चल के दिखा देते हैं आपको अच्छे से एकदम। ये कुंड है, नहीं दिखेगा ये पानी इसमें है अभी, ये नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो चलते हैं हम शिव जी के मंदिर में। ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा शिवलिंग, शिवलिंग है ये पूरा मंदिर। यहाँ पे आरती, यहाँ पे स्तुति भी लिखी हुई है शंकर भगवान की, आरती उर्ति सब लिखी हुई है। अभी लड्डू एक लोटा चढ़ा रहा है पानी का शिव जी के, गणेश जी के तो चढ़ा दे। यहाँ पे गाइस देखो गणेश जी की मूर्ति भी है, ब्रह्मदेव की भी है, माता की भी है। यहाँ पे नंदी जी भी, इनके भी चढ़ा दे। चढ़ा दिया, ठीक है ले तू पकड़ा, मैं भी जाऊँगा। अभी अक्षय जल चढ़ाने गए हैं, जल चढ़ा रहा अक्षय। अब हम आ चुके हैं कि मतलब कि यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू आएगा, वो हम आपको दिखाते हैं। ऐसे नहीं एकदम बैक कैमरा करके दिखाऊंगा मैं। तो चलो हम आ चुके हैं, ये देखो व्यू, देखो यहाँ का, देखो गाइस ये यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे गौ माता का मुंह है। और ये गौ मुख लग रहा है, इसके अंदर जाता ये पानी। कुंड है, कुंड है ऊपर ऊपर इसके ग्रीन कलर की सी लेयर है, लेकिन इसके नीचे एकदम शुद्ध पानी है। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे है ग्रीन पानी और यहाँ से एकदम शुद्ध पानी निकलता है। इस पानी को चाहे तो हम पी भी सकते हैं, लेकिन अभी हम जाएंगे नहीं। ये पहाड़ों में से पानी आता है, पहाड़ों में से पानी आता है ऊपर से। अच्छा है देखो यहाँ पे मंदिर का व्यू है, यहाँ पे फोटो वोटो खिंचानी हो तो अच्छे से आ जाएगी। ये छोटा सा एक भरा हुआ है पानी से, पानी भरा हुआ है। ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है, पहाड़ों में से पानी आता है, पहाड़ों में से आ रहा है ये पानी। पाइपलाइन भी जा रही है मंदिर में, जो पानी सप्लाई होता है ऊपर से आती है ये, लेकिन ये जो पानी है ये आई थिंक कहाँ से आता है, पहाड़ में से। पहाड़ में से आता ये पानी, पहाड़ में से आता है ये पानी। एकदम मिनरल वाटर है, इसको हम पी भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये गंदा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे गंदी गंदी चीज़ें जमी हुई हैं। ये पेड़, ये यहाँ पे कबूतर देख सकते हो बहुत आके बैठते हैं। और यहाँ पे अच्छा अच्छा व्यू आता है फोटोग्राफी के लिए, एकदम टॉप पे जाए तो और ही अच्छा व्यू आए। तो अब हम चलते हैं और जो भवन था वहाँ पे मिलते हैं हम।
चलो चलते हैं। आपको बता रहे थे हम ऑफिस में आ गए हैं, हम आपको बताते हैं इस भवन का क्या नाम, इसको यहाँ पे बोलना शासन भवन, क्योंकि यहाँ पे नए साल की कोई भी फंक्शन होता है वो यही होता है, और मंगल पाठ माता का सब यहाँ पे होता है। और अगर आपको इस होटल में आना है मतलब धर्मशाला, तो हम आपको यहाँ पे रूम भी है, एसी भी है, नॉन एसी भी है, और आपको यहाँ पे आना है तो मैं इनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे चेक कर लेना, ठीक है। अब हम बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको, चलो। यह है हमारा मार्केट, ये आगे तक है, हमने जब आपको काजल सिक्कर वाले व्लॉग में दिखाया था यही है वो हमारा मार्केट। हमारी साइकिलें वहाँ पे खड़ी हुई है, ये एक टी स्टॉल है, और यहाँ से वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ से अंदर आते हैं। तो अब हम आपको घर पे मिलते हैं, तो चलो गाइस।